आयो आयो बाकी आयो यार इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ लोकल से, हमें कॉल आया कि ऐसे से कोई एक हिरण की प्रजाति है यहाँ पर जो ऐसे वॉन्डरिंग कर रही है, घूम रही है। हमने तुरंत जब मुझे मीडिया वालों से मुझे इसका फोटोग्राफ दिखा तो मैंने कहा ये हॉक डेयर है, एकदम से मैंने पहचान लिया और तुरंत मैंने भी जो हमारा कंट्रोल रूम है उसको इन्फॉर्म किया और तुरंत मैं खुद भी चलाया और ये हमें देखा कि ये फीमेल हॉक डेयर है, स्वस्थ है बिल्कुल। हालांकि इसको पकड़ने में हमें थोड़ी सी मशक्कत हुई है लेकिन ये सेफ है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो हम इसको लेके अभी हम जो इसकी अगर कोई इंजरी होगी तो हम इसको फर्स्ट एड देके इसको हम रेस्क्यू सेंटर में लेके जाएंगे फादर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हॉक डेयर है, ये शेड्यूल
वन एनिमल है, अपेंडिक्स वन साइटस वन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रजाति है ये एंडेंजर स्पीशीज़ है, नंबर वन वाइल्ड, जब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके मतलब वो ये शेड्यूल वन है, और अपेंडिक्स वन साइटस वन उसके अंडर, यानी कि इसका किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। बड़ी इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, एंडेंजर स्पीशीज़ है, और ये प्रॉबेबली जो क्रॉस बॉर्डर है वहाँ से आई हुई है। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है डिपार्टमेंट के लिए, अगर इसको बचा सके तो। ये ऑलरेडी हमने पिछले दिनों जो है हमने सिमिलर फीमेल हॉग डियर जो थे वो प्रेग्नेंट थी उसको हमने बचाया और वो स्वस्थ है वो भी। तो ये हमारे लिए सेकंड दूसरी मर लिए हमारे लिए उपलब्धि है। कश्मीर में अगर बात करें तो ये इसका हैबिटेट नहीं है, तो प्रॉबेबली ये जो हमारा नियरेस्ट बॉर्डर है वहाँ से आई हुई है। तो इसका जो नेचुरल हैबिटेट है जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि इसकी जो ट्राई बेल्ट है, ट्राई बेल्ट वही है इसका हैबिटेट है जो सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसलिए ये जो मैदानी इलाके हैं, जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। प्रॉबेबली इसको हम फर्स्ट एड फिलहाल जसरोटा लेके जाएंगे, उसको अब देखते हैं कि हम जम्मू शिफ्ट करेंगे या फिर मानसर। भतीजे ने मेरे को फ़ोन किया कि चाचा इधर एक वो पाड़ा आया हुआ है, तो हम मैंने उसी वक्त भार्गव जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है वाइल्ड लाइफ वालों का, तो इन्होंने इनको फ़ोन किया, कुछ स्थानीय लोगों ने फ़ोन किया और इसको हमने रेस्क्यू किया। जैसे मैं सिविल डिफेंस से भी हूँ, ये मेरा तीसरा जे है कि जे जिसको हम पाड़ा बोलते हैं डोगरी में, जे हमने पकड़ा हुआ है। पहले मैंने कोई 1997 में पकड़ा था एक, वो भी हमने दे दिया था वाइल्ड लाइफ वालों को। उसके बाद इधर जब कैलाश ने एक वो पकड़ा, वो भी हमने वाइल्ड लाइफ जी को भेज दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो वहाँ से अफ्रीका से चीते लाते हैं इधर, हमें भी उनसे प्रेरणा मिली कि हमें इन जंगली जानवरों को बचाना है, सेफ करना है, सब लोग सेफ रहें, जानवर सेफ रहें, कि ये भी प्रजातियाँ, इसी से तो भारत वर्ष महान कहलाया जाता है कि हम सब लोग इन लोगों की जो जितने भी जानवर हैं इनको सेफ करें। और मैं सिविल डिफेंस से अमरनाथ बोल रहा हूँ कि हमने जो काम किया हमें अच्छा लगा, और सब लोगों का सहयोग रहा जितने भी हैं, और हमने जितना भी घेरा डाल के इसको पकड़ लिया और वाइल्ड लाइफ वालों को दे दिया। जय हिंद, जय भारत।